हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने जो ये तीन काइनामेटिकल इक्वेशन है इनको एक बार प्रूफ कर लिया है एल्जेब्रिक मेथड से। हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया है, तो इनको अभी इस बार हम लोग प्रूफ करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग इनको इस बार में प्रूफ करेंगे, और इस चैप्टर में हमारा एक तो अभी इसको ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे, और उसके बाद दो टॉपिक्स रह जाएंगे, एक सर्कुलर मोशन और अंडरस्टैंडिंग वेरियस ग्राफ्स, जिसमें से अभी अभी एक ग्राफ तो अभी हम लोग पढ़ लेंगे। तो वैसे जो ग्राफ्स हैं हम लोग के पास, तीन तरीके के ग्राफ्स हम लोग को पढ़ने हैं अंडरस्टैंडिंग वेरियस ग्राफ्स में। हम लोग को एक पोजिशन टाइम ग्राफ पढ़ना है, हम लोग को एक बेसिकली एक्सेलेशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो तो अभी हम लोग यूज करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड की शुरुआत करते हैं ये तीन काइनामेटिकल इक्वेशंस को प्रूफ करने के लिए। तो ग्राफिकल मेथड में भी हम लोग के पास सेम ही कंडीशन लेंगे। एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ले लिया है, जो ये ऑब्जेक्ट है ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फिर हमने इस पे कुछ एक्सेलरेशन लगा दी है, एक्सेलरेशन लगा दी तो एक्सेलरेशन भाई टी टाइम के लिए लगाई है। तो एक्सेलरेशन टी टाइम के लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी वेलोसिटी वी होती है, और मीन टाइम में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो डिस्टेंस उसने एस ट्रेवल करा होता है, या फिर यूं कहें कि उसकी मीन टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट उसकी एस होगी। तो जी, तो अभी हम लोग पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इन अंडरस्टैंडिंग ग्राफ में हम लोग को वैसे तो तीन टाइम ग्राफ, तीन टाइप्स के ग्राफ करने हैं। एस टी ग्राफ करना है हम लोग को, हम लोग को वी टी ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी करने वाले हैं, और जो ए टी ग्राफ करना है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेता हूं मैं। तो अभी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, कुछ इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा, आप लोग को पहले ही पता है वैसे ये चीज। अभी एक्स एक्सिस पे बेसिकली मैं टाइम को प्लॉट करूंगा, और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे वेलोसिटी को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो वेलोसिटी को प्लॉट करेंगे। तो अभी क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे नहीं था, आप लोग ये डायग्राम खुद देख रहे हो, ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे नहीं था, ऑब्जेक्ट पहले ही मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट पहले ही कुछ मूव कर रहा था। अगर ऑब्जेक्ट पहले ही मूव कर रहा था तो वो ऑब्जेक्ट मूव अगर कर रहा था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चे थी यू, मतलब कि उसकी वेलोसिटी पहले ही यू थी। या फिर यूं कहें जब टाइम हम लोगों ने जीरो लिया, जब टाइम अभी स्टार्ट नहीं किया था ग्राफ बनाने के लिए, तो ऑब्जेक्ट पहले ही मूव कर रहा था। मतलब यहाँ पे जब टाइम जहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो है तो ये इसकी वेलोसिटी पहले ही कितनी है, इसकी पहले ही वेलोसिटी यू है। तो ये मैंने यू वेलोसिटी इसको प्लॉट कर दिया है जब टाइम जीरो था। उसके बाद क्या हुआ, जब टाइम टी हो गया, जब उसने टी टाइम कवर हो गया, ये टाइम हो गया टी, ये जब टाइम टी हुआ तो उसकी जो वेलोसिटी थी उसकी वेलोसिटी बढ़कर भाई टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई वी। जब उसकी टी टाइम पे वेलोसिटी बढ़कर वी हो गई है तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया वी पॉइंट, ये कुछ इस तरीके से। टी टाइम पे हम लोगों ने उसकी वेलोसिटी ले ली वी। तो जो इतना डिस्टेंस है ये ऑब्वियसली हमारे पास इतना डिस्टेंस वी आएगा, आप देख रहे हो ये यू है, या फिर यूं कहें जो इतना डिस्टेंस भी है वो भी हमारे पास वी कहलाएगा। वी मतलब के फाइनल वेलोसिटी जो हम लोगों ने बोली है। तो अभी इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, इसमें कुछ पॉइंट्स पहले तो ले लेते हैं। तो इस पॉइंट को जैसे मैंने ओ ले लिया, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इस पॉइंट को डी मान लेता हूं मैं। अभी इस पर्टिकुलर ग्राफ को यूज करके हम लोग को बेसिकली तीनों काइनामेटिकल इक्वेशंस प्रूफ करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहली जो काइनामेटिकल इक्वेशन है उसको प्रूफ कर लेते हैं। तो पहली काइनामेटिकल इक्वेशन कौन सी काइनामेटिकल इक्वेशन है, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी को प्रूफ करने के लिए मैं यूजिंग फिर से वही करूंगा, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एक्सलरेशन, डेफिनेशन यूज करेंगे एक्सेलरेशन की, फिर से वही सेम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। बिल्कुल सही है जी, अपॉन टाइम टेकन ही था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ही था। एक्सेलरेशन को भाई मैंने ए लिख लिया है, तो चेंज इन वेलोसिटी के वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ, पहले वेलोसिटी थी कितनी
यू मतलब के ओ ए बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, बी डी वेलोसिटी हो गई है, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई बी डी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी ए ओ थी अपॉन टाइम, टाइम कितना था जी ओ डी टाइम था। तो भाई क्या करना है नेक्स्ट में, बस इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। जो बी डी था, बी डी की आप वैल्यू देख सकते हो, बी डी की वैल्यू वी है, ए ओ की वैल्यू यू है और ओ डी की वैल्यू टी है, तो टाइम को उधर ले जाएंगे तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू आ जाएगा, फिर यू को उधर ले जाएंगे तो घुमा के तो हमारे पास वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा। अरे सर ये तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। जी हाँ बिल्कुल पहले ही कर लिया था ये, लेकिन हम लोग को ग्राफिकल मेथड से दिखाने के लिए इसको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है, जो कि हमें लिखना पड़ गया है। ठीक है जी, तो आगे वाली इक्वेशंस को डराइव करते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो आगे वाली इक्वेशन क्या कहती हैं, अभी अगर मैं अगली वाली इक्वेशंस को डराइव करूं तो अगली वाली इक्वेशन मेरे पास क्या आएगी, अगली जो इक्वेशन है ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने के लिए, दूसरी वाली इक्वेशन को प्रूफ करते हैं, उसमें मैं लिख लेता हूं यूजिंग वी टी ग्राफ मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी इसमें वो चीज पूरी यूज होगी बच्चे, अभी पूरी यूज होगी उस इक्वेशन को डराइव करने के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूरा पूरा हमारे पास इस्तेमाल में आएगा। अभी कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस्तेमाल में आता है, अभी एक चीज याद रखना, जो अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, इसमें जो एरिया आता है ना, ये पूरा एरिया जो इसमें एरिया आएगा, दिस एरिया विल बी रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेसमेंट, इस जो ये एरिया है ये डिस्प्लेसमेंट, मैं आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, जिसमें जो एरिया है ये एरिया डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है जी, तो हम लोगों ने अगर मैं लिखूं, अगर मेरे को एरिया डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट में क्या मैं यही चीज लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपीजियम, क्या ये ट्रपीजियम नहीं है, ये दो पैरेलल साइड्स हैं और ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो ये ट्रपीजियम बनेगा, तो एरिया ऑफ द ट्रपीजियम ए ओ बी ए ओ बी डी बी ए ओ डी बी ए ओ डी बी, ये मेरे पास एक ट्रपीजियम आ गया। तो भाई एरिया ऑफ ट्रपीजियम क्या होता है, सर एरिया ऑफ ट्रपीजियम का फॉर्मूला अगर हम लोग याद करते हैं, जी हाँ बिल्कुल एरिया ऑफ ट्रपीजियम का यही फॉर्मूला होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, बिल्कुल सही कह रहे हो जी, यही फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, या फिर आप इसमें जो एरिया है इसी चीज का आप एरिया इसमें बेसिकली कुछ इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते थे, अगर आपको लिखना हो, अगर इसी एरिया को एरिया ऑफ ये ट्रपीजियम अगर आपको लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते थे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा जी ए बी सी, ये एरिया ट्राइंगल का, इस एरिया ट्राइंगल का एरिया, प्लस में एरिया ऑफ ए बी ए ओ डी सी, ए ओ डी सी, हम लोग दोनों से भी एरिया इसका कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत आसानी से हमारे पास दोनों से एरिया इसका आ जाएगा। तो भाई एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले मैं ट्रपीजियम वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, आप लोग ट्राइंगल और इसका एरिया भी ऐड करके दिखा सकते हो। ठीक है जी, हम लोग दोनों करके देख लेते हैं, अगर मैं दोनों करता हूँ तो दोनों का एरिया कैलकुलेट करते हैं, इस बार इस तरफ इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, अगर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स हमारे पास कौन कौन सी पैरेलल साइड आएगी, एक ए ओ पैरेलल साइड आएगी, एक हमारे पास बी डी पैरेलल साइड आएगी, राइट, एक ए ओ पैरेलल साइड आएगी और एक बी डी हमारे पास पैरेलल साइड आएगी। तो ए ओ जो साइड है, पहले ए ओ साइड ले लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, ए ओ अगर मैं साइड लेता हूं तो ए ओ साइड मेरे पास कौन सी है, ए ओ साइड, और दूसरी पैरेलल साइड क्या आएगी भाई, बी डी पैरेलल साइड आएगी, और सर इनटू हाइट भी है, इनटू हाइट या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो भाई यही होएगा दोनों साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यही दोनों साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया, तो जी ये डिस्टेंस भी लिख लेते हैं इनटू ओडी। अगर मैं इस वाले मेथड से लिखता हूं, इस वाले मेथड से जो मेरे पास एरिया मतलब के डिस्टेंस, इसमें भी एरिया सॉरी डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, अगर मैं हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है ट्राइंगल का, इसमें बेस क्या आ जाएगा सर, बेस तो ए सी आ जाएगा, इनटू हाइट क्या आ जाएगा, हाइट बी सी आ जाएगी, प्लस में और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेस इनटू हाइट मतलब की लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या है इसमें ओ डी लेंथ है और ब्रेथ क्या है ओ ए लेंथ है, तो ओ ए
आ जाएगी हमारे पास प्लस में, सॉरी इनटू में हमारे पास ओडी आ जाएगा। तो अभी इसको अगर मैं फर्दर कैलकुलेट करता हूँ वैल्यूज पुट करके, हाफ ए ओ की वैल्यू मेरे पास यू, इसमें वी वैल्यू, इनटू हमारे पास डिस्टेंस डी जो कि टाइम आ जाएगा, और इसमें भी मैं वही चीज पुट कर देता हूँ हाफ, हाफ आ जाएगा ए सी की वैल्यू, ए सी, ए सी को क्या पे ये पड़ा हमारे पास ए सी, ए सी की वैल्यू तो टी है सर, बिल्कुल ठीक है जी, ए सी की वैल्यू टी है, इनटू बी सी, बी सी की वैल्यू क्या आएगी, बी सी तो चेंज इन वेलोसिटी है, क्या मैं बी सी की वैल्यू वी माइनस यू अगर कर दूंगा तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी, जी हाँ सर बी सी की वैल्यू आ जाएगी, मैंने वी माइनस यू कर दिया है बी सी की वैल्यू के लिए, ठीक है जी। तो अभी प्लस में हम लोग को करना है कुछ ये ए ओ इंटू ओ डी, तो AO हमारे पास क्या चीज है, AO तो जी हमारे पास U है, तो जी यहाँ पे U आ गया है, इनटू OD करना है हम लोग को, OD हमारे पास टाइम है, तो OD हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो बच्चों आगे चलते हैं, आगे भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप इसको, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा, इसमें से टी को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो इसमें क्या आ जाएगा सर, हाफ वी आ जाएगा, माइनस में हाफ यू आ जाएगा, प्लस में यू आ जाएगा, ठीक है जी। जिसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके ये क्या चीज बनेगी, टी तो बाहर ही पड़ा है सर, हाफ इसको माइनस करूंगा तो हाफ का यू बचेगा, तो फिर से मैंने बाय टू निकाल लिया, और वी प्लस में यू, फिर से मेरे पास यही आ गई हाफ वी प्लस यू इंटू टी, इसमें भी हाफ वी प्लस यू इंटू टी, मतलब दोनों ही तरीकों से हमारे पास सेम एरिया आएगा। अभी करना क्या है, अभी करना क्या है, इसको वन मान लेते हैं, इसको वन मान लेते हैं, करना क्या, जैसे लास्ट हम लोगों ने करा था जैसे एलजेब्रिक, अभी सिर्फ एलजेब्रिक वाला वे रह गया हमारे पास, अभी एलजेब्रिक काम ही करना है। अब इसमें टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले इसमें टी की वैल्यू इसमें से निकालते हैं, तो टी की वैल्यू अगर इसमें से निकालेंगे तो यूजिंग वन, तो यूजिंग वन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं टी की वैल्यू निकालूंगा तो पहले यू को उधर ले जाते हैं, फिर से वी माइनस यू आ जाएगा, अपॉन में ए आ जाएगा, तो जो ये वैल्यू है इसको इसमें पुट करते हैं, हाफ आ जाएगा यू प्लस वी आ जाएगा, इनटू हमारे पास यू वी माइनस में यू आ जाएगा, अपॉन में ए आ जाएगा, तो ए को उस तरफ ले जाएंगे, फिर से वही करेंगे, अगर मैं ए को उस तरफ लेके जाता हूं तो इस तरफ ए एस बन जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, फिर से टू को उस तरफ ले जाएंगे तो टू ए एस क्या आ जाएगा हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन तो हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाएगी, तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है जी। दूसरी अभी इक्वेशन अगर हम लोग को डराइव करनी है, तो दूसरी इक्वेशन के लिए इसी में, इसमें हम लोग इसमें से x हमारे पास जो वैल्यू डालेंगे, हम लोग के पास v की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हाफ पड़ा है ये इसका, तो v की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो v की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो u प्लस ऑफ ए टी प्लस में u आ जाएगा, और इंटू हमारे पास t तो बाहर पड़ा ही है, तो फिर से हम लोग इसको आगे में सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इसी को आगे में सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, हाफ आ जाएगा, अंदर में 2u प्लस में at आ जाएगा, 2ut प्लस में at, अगर मैं t को भी अंदर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो फर्दर इसको सॉल्व करा तो हम लोगों ने हमारे पास क्या आ जाएगा, अंदर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हाफ इंटू 2ut तो सिर्फ ut बन जाएगा, प्लस में हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे पहले t था तो सॉरी यहाँ पे t स्क्वायर आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू हाफ ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। मतलब कि जैसे बिल्कुल हम लोगों ने लास्ट में करा था, तो लास्ट मतलब कि जब हमने एलजेब्रिक मेथड करा था बिल्कुल वैसे ही करा है, लेकिन बस इसमें हम लोगों ने जो डिस्टेंस के लिए, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है, तो जो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाया वो ये वाला लगाया कि हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व होता है, मतलब इसका जो एरिया होगा वो हमारे पास बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करा, तो मैं एस से डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करा, तो या तो ये फॉर्मूला लगाया या ये लगाया, ये लगाया तो इधर वाला आ गया, ये लगाया तो इधर वाला आ गया, लास्ट पे जाके सब में यही फॉर्मूला बना, हाफ यू प्लस वी इंटू टी, इसमें भी हाफ यू प्लस वी इंटू टी बना, फिर एक में मैंने क्या करा, एक में मैंने इसमें से टाइम की वैल्यू निकाली, यू को उधर ले गया, वी माइनस यू हो गया, फिर ए को नीचे लेके तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी,
तो मैंने टाइम की वैल्यू पुट करी तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन गया। अगर मैंने टाइम की बजाय v की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी है यहाँ पे, v की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी तो u प्लस यू ए टी आ गया, तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर आ जाएगा, हाफ तो बाहर ही पड़ा, फिर हाफ को अंदर लेके जाएंगे तो हाफ को अंदर लेके जाएंगे तो ut प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग को बाकी की दो रहती हुई भी काइनामेटिकल इक्वेशन हम लोगों को प्रूफ हम लोगों ने कर ली है। इसके बाद हमारे इस चैप्टर में सिर्फ दो ही टॉपिक बचे हैं, कुछ ग्राफ्स हम लोग को डिस्कस करने हैं और हम लोग को कुछ सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करना है। आप एक इसको ध्यान से इसको अच्छे से समझ लो, दो बारी देखना, तीन बारी देखना, आपको समझ में आ जाएगा।